वेलकम मिसेलेनियस क्वेश्चंस। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। कल 5 नवंबर 2017 को आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेन एग्जाम हुआ, फर्स्ट फेज का। फिर नेक्स्ट वीक दूसरे फेज का है। इसमें मेमोरी बेस्ट जो क्वेश्चंस आए उन्हें मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं। अभी और कुछ क्वेश्चंस भेजे गए, उनमें से 2 क्वेश्चंस मैंने लिया है और एक क्वेश्चन और है, उसमें कुछ एरर है, डेटा का एरर है, याद रखने में दिक्कत हुई होगी। फिर भी मैं उसकी चर्चा कर दूंगा कि आखिर वो क्वेश्चन सॉल्व होना कैसे था। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस पर, जो कि एक तरह से परसेंटेज रेशियो का है और दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी का है। मेन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन लोगों ने भी ठीक से पढ़ा है वो रियल में एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश एड्स 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ, रिमेनिंग 3/8 ऑन क्लॉथ्स, द डिफरेंस बिटवीन PPF and clothes expenses is ₹10,500. Remaining amount are expended on house rent and others. If house rent expenses is ₹1,500 less than the expenses on others, then what is the house rent expenses? Question में देखिए, in general आपको लगता है कि पूरे को 100 मान लें, कभी लगता है 1 मान ले और कभी लगता है x मान ले। ऐसे क्वेश्चंस परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बार बार बताए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। 1 मानने से, x मानने से, 100 मानने से कोई फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो क्यों माने? ऐसा क्यों न माने जिससे फायदा है? कहां से पता चलेगा बताता हूं। राकेश एड्स 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ, तो सैलरी जो है उसका 12%, तो सैलरी को 100 होना चाहिए, यानी 20 होना चाहिए ताकि आसानी से हम 12% निकाल सकें। तो पहली बात है कि सैलरी इसे 100 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ओके, इन हिज पीपीएफ अकाउंट रिमेनिंग, अब जो बचा उसका 3/8, यही कहता है 3/8 डिनोमिनेटर में क्या 8, इस 8 को पकड़ के लाइए। और भी कुछ कहता तो लेते, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा गया है, रिमेनिंग कहा गया है, इसलिए 3/8 को लेते हैं। और भी कहा जाता तो उसको भी लेते और उसका एलसीएम लेते, 1/4 बोला जाता, 4 को पकड़ के लाते, 1/7 बोला जाता, 7 को पकड़ के लाते, लेकिन वो सब नहीं। तो 8 हुआ, हमें 8 का मल्टीपल लेना है और हमें 100 का भी मल्टीपल लेना है। हम लोग दोनों के प्रोडक्ट को लेते हैं, यहां एलसीएम नहीं, यहां 100 चाहिए और वहां 8 का मल्टीपल चाहिए, तो 8 × 100 हमने माना। ऐसा मानेंगे पूरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए हमने माना, हमने क्या किया, हमने माना कि जो सैलरी है, टोटल सैलरी है, देखिए सैलरी है ये 800 है, तो इसका 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 12% 96 रुपीस किस पर होता है, पीपीएफ में जाता है। ओके, पीपीएफ में गया, ठीक। रिमेनिंग अमाउंट, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट होता है इसका जो बाकी पार्ट है, यानी 88%, लेकिन 88% क्या होता है, सीधा 96 को हटाइए तो 704, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 704, ये आगे इसका एक्सपेंडिचर होता है, कैसे बताता हूं।
तो ये 704 हुआ। कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान देने का है, तभी आपका टाइम सेविंग होगा। अभी तक मैंने कहा 8 और 100, ऐसे 800 लेना है, इसका अपना फायदा है। आगे देखिए कैसे करते हैं। तो इस अमाउंट का 3/8 कैसे निकालेंगे, तो 8 इज इक्विवेलेंट टू 704। तो 3 मींस व्हाट? नहीं, कितना टाइम्स है? 88 टाइम्स है। यानी हम लोग क्या करते हैं, पूरी को 88 मानते हुए हम लोग इसको बात करते हैं कि इसमें से 3 × 88 मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं, करेंगे जरूरत होगी तो करेंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि जो बाकी बचता है 5 × 88, देखिए कितना फायदा हुआ रिमेनिंग। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कर देते तो लेस करने में दिक्कत होती, और अब तो मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 90 मान लीजिए तो 270, 90 × 3 270 और 6 लेस तो 264, ये हुआ। यानी इतना पैसा, और ये 5 टाइम्स 10 टाइम्स क्या होगा 880, तो 440, इतना पैसा बाकी बचा। तो ये वाला जो पार्ट है 264, ये किस में करते हैं, रिमेन क्लॉथ पर करते हैं। तो ये वाला क्लॉथ वाला पार्ट है, उस पर इतना खर्च करते हैं। अगर हम लोग मानते हैं कि 800 सैलरी थी तो 264 इसमें क्लॉथ पर खर्च होता है। अच्छा, और जो क्वेश्चन कहता है एंड द डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लॉथ एक्सपेंसेस इज ₹10,500। यानी पीपीएफ और क्लॉथ का जो डिफरेंस है वो कुछ कहता है। तो ये तो हमने पहले देख लिया, निकाला कैसे निकाला ये देख लिया, इसके बाद उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे, पहले रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग अमाउंट मतलब ये वाला आर एक्सपेंडेड ऑन हाउस रेंट एंड अदर्स। तो ये दो पार्ट पे है, हाउस रेंट एंड अदर। ये हाउस रेंट है, देखिए ये हाउस रेंट है और ये अदर अमाउंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो मेंस के लिए स्पेशली हैं उनके लिए भी, कि दरअसल होता क्या है। क्वेश्चन तो मैं कम ही बनाऊंगा ना, लेकिन आपको समझना है ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आप ऐसे कर सकें। यानी दोनों का सम ये है। अब इधर आइए, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो सीधा वैल्यू ही निकाल लेते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 100 के पास खड़े हो जाइए 164 एंड 4। तो ये डिफरेंस हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है कि ये 168 है, किसका, क्लॉथ एंड पीपीएफ। ये कहां से आया, पीपीएफ एंड क्लॉथ, एंड क्लॉथ इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो वो 10,500 इधर लिखता हूं। तो ये दिया हुआ इक्विवेलेंट टू 10,500। सवाल ढंग से करना होगा, दोनों और हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अपना फायदा है, 2 से करते हैं ये 21,000 हो जाता है। और ऐसा करने का फायदा ये है, फायदा कि देखिए ये कैसे कटेगा, ये 7 से कटेगा, या सीधा सीधा आपको 8 टाइम्स नजर आ रहा है, 21 से 8 टाइम्स देखिए तो, और 8 से ये 1000 का मतलब 125। अब 2 से कैंसिल मत कीजिए, 2 मींस 125 रहने दीजिए, हमारे रेशियो सिस्टम में 2 को 125 कहते हैं, तो 440 को क्या कहेंगे, 220 इंटू बोलेंगे, 2 का मतलब हमें पता है, तो बोलेंगे 220 × 125। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बहुत अच्छा से 110 × 250, यानी 275,000, यही पैसा है। इसी को दो भागों में बांटा गया, ये रियल है, ये रुपया है, जैसे कि रुपया था, ये तो हमारा रेशियो सिस्टम था, ये रुपया था। अब सुनिए, नहीं लिखूं तो भी चलेगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 1500 रुपीज का, हाउस रेंट जो है लेस है 1500 रुपीज कम है। यानी अगर हम इसे x माने, इसे y माने, तो x माइनस y इज 1500,
and x plus y is 27,500. दोनों को सॉल्व करेंगे, x y का वैल्यू निकलेगा, व्हाट इज x ये पूछा है, पर ऐसे नहीं करेंगे, वो भी मैं लिख दूंगा कैसे करेंगे। अरे 1500 इसमें से हटा दीजिए, बचा 26,000, 13,000 आंसर, यही आंसर है, 13,000 रुपीज आंसर, यही आंसर है रुपीज 13,000, यही आंसर है। बोलेगा कैसे, बताता हूं कैसे। दो व्यक्ति में बंटवारा करना है, मैं तरीके की बात करता हूं, ठीक है, तरीके की बात करता हूं कैसे किया। तो आप सोचिए दो के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है 27,500 टोटल है, और एक को 1500 ज्यादा मिला, तो 1500 इसमें से हटा दीजिए, मतलब 27,500 है ना, प्रोसेस के रूप में बात कर रहा हूं, हटा दीजिए तो बचा 26,000, इसका हाफ इसे दे दीजिए, इसका हाफ इसे दे दीजिए, और इसके पास ज्यादा है तो 1500 दे दीजिए, तो ये कितना हुआ 14,500, और ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 13,000, यही हुआ हाउस रेंट और यही हुआ अदर्स। ऐसे करने की क्या जरूरत है, ये जो कहा गया दरअसल क्या कहा गया, ये सब जरूरत नहीं, मैं इसे समझा रहा हूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27,500 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1500, व्हाट इज x, इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकलेगा, पर ऐसे सॉल्व थोड़ी करते हैं, सॉल्व वैसे ही जैसे मैंने बताया, उसके लिए न इसकी जरूरत है न इसकी जरूरत है, ये तो हो गया। बोलिए इसको समझे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का है उसके ऊपर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है हार्ड नहीं है, आप उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए बैग ए देयर आर 5 रेड बॉल्स, एक्स ग्रीन बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग ए इज 2/5। इन बैग बी देयर आर एक्स माइनस 3 रेड बॉल्स, एक्स माइनस 4 ग्रीन बॉल्स एंड 6 येलो बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ रेड कलर्स। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बनाएंगे, आइए बताता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बैग ए की बात हो रही है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, रेड बॉल, ओके रेड बॉल ये कितने हैं 5, ठीक। एक्स ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितने हैं एक्स, ओके, एंड येलो बॉल, येलो बॉल कितने हैं 7। तो मुझे बताइए टोटल बॉल कितने हुए, टोटल अगर हम लोग बोले तो टोटल बॉल कितने हुए, x प्लस 12 हुए कि नहीं टोटल बॉल्स। रेशियो बोले जाए तो क्या होगा, ये होगा ना टोटल, हाँ एक्चुअल नंबर है, रेशियो क्या एक्चुअल नंबर है। अब सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग ए इज 2/5। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन बॉल x है, x है, और टोटल नंबर कितना है x प्लस 12, तो यही ना प्रोबेबिलिटी हुई, और ये कितना दिया हुआ है 2/5, बस जितने ग्रीन बॉल है आउट ऑफ टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स x प्लस 12, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सॉल्व ढंग से करते हैं, x का नेवर बी नेगेटिव, 5x 2x 3x इज इक्वल टू 2 × 12, यानी x इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू 8 निकल गया। तो अब वो कहता है कि बॉल बैग बी जो है, बैग बी ठीक, रेड यही रखते हैं, ग्रीन यही रखते हैं, या लिखिए जो भी कीजिए, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, नए तरीके से है, इसमें क्या x माइनस 3, तो x तो 8 निकला तो हुआ 5, ग्रीन कितने हैं x माइनस 4, 8 निकला तो 8 माइनस 4 4, और येलो कितने हैं 6, टोटल कितने हैं, टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने हैं 15। अब मुझे बताइए 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकालेंगे तो कुल कितने तरीके से निकाल सकते हैं 15c2, और इसमें से दोनों के रेड आने की प्रायोरिटी क्या है, तो रेड आ कितने तरीके से सकता है, तो रेड कितने हैं 5, तो 5c2, बस दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो कि हमको निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी करना था।
आप जानते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, 5 × 4 और ये 15 × 14, बस 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 2/21 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़े हैं, समझे हैं, उनके वीडियोज आपने देखे हैं तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2/21, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए? और भी जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं बताऊंगा। हाँ, एक और क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। उसका डेटा ठीक नहीं था जो मेमोरी बेस्ट मुझे भेजे गए थे। वो था कि एक ट्रेन है, उसका स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, और वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, क्रॉस करती है, टाइम भी दिया हुआ है, उसमें था 19 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन में कुछ बैग्स बॉक्सेस जोड़ दिए गए तो ट्रेन का लेंथ बढ़ गया। कितने बॉक्सेस जोड़े गए पूछा गया, बॉक्सेस में वन बॉक्स की जो लंबाई है वो 22 मीटर थी जो दिया हुआ था, 22 मीटर। मान लीजिए टू बॉक्सेस हुए तो 22 × 2 तो डेढ़ बॉक्स तो नहीं होगा ना, जब भी होगा 22 × 1, 22 × 2 बॉक्सेस जोड़े गए लंबाई, यानी जो डिस्टेंस आएगा 22 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट लाइन आप पढ़ते हैं आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ मालूम हो जाता है, हालांकि मालूम करने की जरूरत नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों के लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस तय करती है, जरूरत नहीं है, चाहे तो निकाल सकते हैं। ओके, ट्रेन का स्पीड मालूम है, टाइम 19 सेकंड दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ मालूम है, तो आप तुरंत बता सकते हैं प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम दोनों दिया है, आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का मतलब दोनों के लेंथ का सम, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाए, जरूरत नहीं है, बताता हूं। तो अब कहा जा रहा कुछ बॉक्सेस जोड़ देंगे तो ठीक है, बॉक्स को लेके ट्रेन का लेंथ बढ़ जाएगा। अब डेटा में एरर यही है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि 15 सेकंड्स में अब ट्रेन पार कर लेती है, जबकि स्पीड वही है, ये तो हो नहीं सकता, शायद वो 25 हो, पर 25 भी सूट नहीं करता, जो भी दिया जो भी हो। तो मान लीजिए, मैं समझाना चाहता हूं कि पहले 19 सेकंड्स में पार करते थे, अब ज्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। डिस्टेंस कहां से ज्यादा हो रहा है, ट्रेन का पुराना लेंथ तो वही है, प्लेटफॉर्म तो वही है, बॉक्सेस जोड़ने के कारण जो लेंथ बढ़ रहा है तो बस यही लेंथ है, इसी डिस्टेंस को तय करने में लग रहा है, क्यों निकालेंगे? हमें तो बस इतना करना था कि पहले 19 सेकंड लगता था, अब 15 नहीं होगा, वो 21, 25 कुछ होगा। तो ये जो गैप हुआ, इतना टाइम ज्यादा लगा, इतने टाइम में ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 21 मीटर पर सेकंड, निकाल लीजिए क्या लेंथ हुआ, यही लेंथ बॉक्सेस का लेंथ है, पर उसको 22 का मल्टीपल होना चाहिए। मान लीजिए कि डिस्टेंस आता 66 मीटर तो जो बॉक्सेस कुल मिला के जोड़े गए 66 मीटर और उसमें बॉक्स की लंबाई 22 मीटर है तो कितने बॉक्स हुए, 3 बॉक्स, लाइक दैट। यही क्वेश्चन था, चूंकि डेटा सही नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, पर उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। ओके, ऑल द बेस्ट।